जिन तक अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है, सुलभ शौचालय तो हर जगह बना दिया है पहाड़ में, पानी नहीं पहुंचा है, रोड नहीं पहुंचा है, ऐसे जगहों जहां अल्मुनियम का दो तीन थाली है, पैर में चप्पल नहीं है, उन जहां शिक्षा का स्कूल एक एक डेढ़ डेढ़ महीना तक बंद रहता है, उन जगहों पर जब हम दूसरा विकल्प का बात करते हैं तो लगता है कि उनके साथ हम संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाएं। हालांकि संवाद काफ़ी कम था लेकिन उसका आयोजन हम लोगों ने किया और उस पर बातचीत की। आने वाले दिन में बहुत बड़ा संघर्ष और इस संघर्ष में कई मुद्दे, विज्ञान को तो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का सेकेंड हाफ से IPSNEC का मीटिंग है और सब्यसाची जी अपने वक्तव्य में रखेंगे कि हम जो साइंटिफिक टेम्पर डे है, वैज्ञानिक चेतना दिवस 20 अगस्त को हम जो मनाए थे पूरे देश में, फिर उसको और विज्ञान को जोड़ करके और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं, क्योंकि विज्ञान का बात करने में ना, बात करके हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और बात को कह सकते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा मौका है विज्ञान को ले जाके, वैज्ञानिक बातों को लेके, वैज्ञानिकों के विचार को लेकर के हम नीचे जा सकते हैं, जो अखिल भारतीय जनविज्ञान नेटवर्क इस पर बातचीत करेंगे। भारत ज्ञान विज्ञान समिति चूंकि अभी देश को गोवा छोड़ के बाकी राज्यों में संगठन है, तो हम ये तय कर रहे हैं, दो तीन चीज़ हम तय कर रहे हैं और एक नया चीज़ और हम लोगों ने शुरुआत किया है कि नौजवानों के बीच काम, क्योंकि जो हम हैं, जब हम आए थे तो 22-23 वर्ष के लोग थे जब हम विज्ञान आंदोलन में आए और आज हम लोग 60 के ऊपर पहुंच गए हैं, तो नया लोग, क्योंकि जो दूसरा विरोधी पक्ष है उसमें बड़े पैमाने पर नौजवान उसके साथ, और बहुत आश्चर्य होगा कि IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े काम करने वाले नौजवान उनके साथ हैं और वो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग नौजवान पर भी काम करना शुरू किए हैं केरल के एक्सपीरियंस के आधार पर, और कई स्टेट राज्य स्तर का प्रोग्राम, फिर नेशनल लेवल का प्रोग्राम, और इसके साथ जोड़ करके यूथ का एक विजन डॉक्यूमेंट बना करके, और हमारा कल प्रमोद जी और अनूप जी जो हमारे पूरे यूथ के सब कमिटी के नेतृत्व में, वो ये तय कर रहे हैं कि हम 200 कम से कम संस्थान में जाएं और वहाँ यूथ को लेकर के बातचीत करें और उनके एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ाएं। तो एक तो नौजवानों में ज़बरदस्त काम करने का हमको ज़रूरत है। अंत में नरेश जी है कि नहीं, यहाँ बैठे हुए थे लगता है, चले गए। हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति कलकत्ता में तोड़ा गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 27 वर्ष तक झारखंड के कर्माटाड़ में रहे थे, जब उनका बेटा विद्रोह कर दिया उनसे, वहाँ बहुत अटैक उन पर होने लगा, तो 27 वर्ष आदिवासी क्षेत्र में रहे और वहाँ एडल्ट एजुकेशन, उनका होम्योपैथी का चिकित्सा करना, ये सारे चीज़ों पर वो काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 200 वर्ष पूरा होने जा रहा है उनके जन्म शताब्दी मनाने के लिए, हम कर्माटाड़ में वहाँ के आसपास के 39 गांव में कला जत्था का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि विद्यासागर के मूर्ति तोड़ना, अभी वो राजा राममोहन राय को चैलेंज कर रहे हैं कि वो तो रविंद्रनाथ टैगोर को कि टैगोर का तो सारा चीज़ को कोर्स से हटा देना चाहिए, उनके विषय में बहुत सारा चीज़ लगातार इनका शुरू हो गया। तो ऐसे स्थिति में भारत ज्ञान विज्ञान समिति आसपास के गाँवों में जहाँ 60% ट्राइब्स है और 30% मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, तो उनके बीच हम कला जत्था करेंगे और फिर उस कला जत्था के बाद एक वहाँ से विद्यासागर स्मृति रक्षा समिति और BGBS मिल करके, माने उनका जो मिदनापुर में जन्म स्थल है वहाँ तक एक यात्रा का भी हम लोग प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे इशू को अगर हम नहीं उठाते हैं, और विद्यासागर ऐसे महापुरुष को बंगाल में ही मूर्ति तोड़ दे रहा है, फिर कह रहा है उसका मूर्ति हम पटेल इतना बड़ा बना देंगे, ये भी कह रहा है, एक तरफ तोड़ता है दूसरी तरफ ये भी बताता है, तो कुछ लोग तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो बहुत बड़ा मूर्ति बनेगा। तो ऐसे स्थिति में BGBS का जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती है कि इस तरह के चीज़ों में हम कैसे काम करें। अंत में अभी जो चुनाव का समय था तो कुछ जगहों में लगभग हम 10-12 दिन पहाड़ों पर थे, माने
झारखंड में एक राजमहल का पहाड़ है, अभी हिमालय पहाड़ टाइप का तो नहीं है, छोटा पहाड़ है, उसमें पहाड़िया जनजाति रहता है। पहाड़िया जनजाति का जो इतिहास है वो इतिहास ये है कि वो लड़े थे अंग्रेजों से, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं, इसलिए इतिहास नहीं है कि अंग्रेज लोग बाद के दिन में संथाल आदिवासी को ले आए थे और संथाल और पहाड़िया के बीच जबरदस्त लड़ाई होता है और पहाड़िया धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ जाता है, वो पहाड़ में ही अपना जिंदगी बसर करता है। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 10 लाख पहाड़िया थे, जो घट करके अब 1,35,000 हो गए। तो उनके बीच आज से 5 साल पहले हम लगातार काम कर रहे थे काम के अधिकार को लेकर के, राष्ट्र ग्रामीण रोजगार कानून में महीना में 3-4 दिन रहते थे। तो इस पीरियड में इलेक्शन के समय हम सोचे कि ये जिम्मेदारी निभाया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र में एक प्रगतिशील आंदोलन के एक लीडर खड़े थे और हमको लगा कि पहाड़िया जनजातियों के बीच जा करके इस पीरियड में काम करना चाहिए और उनके साथ बात करना चाहिए कि ये आप कहाँ अपना चुनाव में वोट देंगे। राजमहल जो पहाड़ी है वो पूरा माफिया लोग, वो पूरा माफिया आज का जो राष्ट्र माने आज राजतंत्र ही इसको कह सकते हैं लोकतंत्र के बदले, उनका पूरा कंट्रोल है। वहाँ से अरबों रुपया कमाते हैं पहाड़ को काट करके, चिप्स वगैरह बेच करके, काफ़ी खूबसूरत जगह था एक समय। तो जब वहाँ जा करके हम बातचीत शुरू कर किए कि किसको आप दोगे, क्या है चुनाव में आपकी स्थिति, यह है सारा चीज़, लेकिन इतनी तैयारी थी वहाँ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी लगातार उन पहाड़ों में काम कर रहे थे और उनको ये समझाने में कामयाब हो गए थे कि संथाल तुम्हारा दुश्मन है और तुम अगर हमको वोट दोगे तो तुम भी बचोगे और जो तुम्हारा धर्म है वो भी बचेगा, इस तरह का। जब वहाँ हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो लोग ये बोलने लगे कि आप जिन लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो साथी तो यहाँ पहुँचे ही नहीं अभी तक इन पहाड़ों में, पहाड़ में तो दूसरे लोग पहुँचे। हम इस बात को इसलिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति आज के दिन पहाड़ से लेकर के आप कहिए तो लगभग 350 जिलों में संगठन है और नीचे हमारा काम है, लेकिन उस काम का आज के समय में हम किस तरह से उपयोग करें, किनके तरफ हम उस चीज को ले जाएं, माने हम क्या कहना चाह रहे हैं, किनके तरफ हम ले जाएं, वो विकल्प लोग खोजना शुरू किए हैं, लेकिन आज के दिन वो विकल्प हर जगह हमारा नहीं है। अब जिसके साथ आज़ादी के बाद से लड़ाई किए हैं, कुछ दिन के बाद आकर के फिर कन्विंस करता है, करना पड़ता है कि हमको उन्हीं का साथ देना है क्योंकि एक बड़ा दुश्मन तैयार हो चुका है। जिन तक अभी तक बिजली नहीं पहुँचा है, सुलभ शौचालय तो हर जगह बना दिया है पहाड़ में, पानी नहीं पहुँचा है, रोड नहीं पहुँचा है, ऐसे जगहों जहां अल्मोनियम का 2-3 थाली है, पैर में चप्पल नहीं है, उन जहां शिक्षा का स्कूल 1-1.5 महीना तक बंद रहता है, उन जगहों पर जब हम दूसरा विकल्प का बात करते हैं तो लगता है कि उनके साथ हम संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाएं। जब हम संघर्ष में रहते हैं तो उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो खास करके हम अपने बात को यहाँ अंत करेंगे कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति शिक्षा, नौजवानों को गोलबंद कैसे करें और ख़ास करके महिलाओं को समता, इन 3 चीज़ों को लेकर के लगातार काम करेगा। अब 2 साल तक हम 2020 तक का एक पूरा कार्य योजना बना रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में उनका विकल्प हम ही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता है। और संख्या में माने दूसरे जगह नीति बनाने में हम कितना रहे वो अलग बात है, लेकिन ज़मीन पर हम काम कर सकते हैं क्योंकि ज़मीन पर वो काम कर रहे हैं और उनके तर्क संगत चीज़ों को लेकर के हम आगे कर सक माने बातचीत कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आज इतने विद्वान रोहतक के और बाकी मेवात ऐसे जगहों से बाकी जगह से भी चल करके आए हैं, जो हरियाणा में लगातार आप जो खास करके सामाजिक आंदोलन दहिया जी उठाते हैं कि समाज सुधार का आंदोलन या जो सामाजिक आंदोलन है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सहमत हैं कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति जो खास करके शिक्षा, समता और नौजवानों के बीच काम कर रहा है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार लड़ेंगे। हम आप तमाम साथियों के चूँकि सभ्यसाचीदा हैं, लंबा माने बातचीत अपना रखेंगे, उनका व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरह का सेमिनार
राष्ट्र कार्यकारिणी के खासकर सब्यसाची हमको बोले भी थे कि जब हम लोग जा रहे थे कोई सेमिनार वगैरह रखने से लोगों के साथ बातचीत करने का मौका आएगा, आप लोगों से मिल करके हम लोगों को बहुत ताकत मिलता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं अटैक तो हर जगह बढ़ रहा है ना, उनका बहुत व्यवस्थित है, हम जितना चिंता करते, गैर वैज्ञानिक लोग बहुत वैज्ञानिक रणनीति बना रहे हैं, और जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका रणनीति वैज्ञानिक सोच के साथ जितना तेजी के साथ बनना चाहिए, शायद हम थोड़ा इस मामले में पीछे हैं। एक बहुत आप लोगों के साथ मिल करके बहुत ऊर्जा मिला हमको, और हमको लगता है कि हम बहुत तेज़ी के साथ इस काम को दूसरे राज्य में भी लेकर के बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी दूसरे राज्य में जो हमारा पहले अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम था उस ढंग से हम लोग करेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम हरियाणा के साथियों का कि इस ढंग का गोष्ठी आप किए। हम लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे, और संघर्ष में है, संघर्ष में रहेंगे। खास करके हम एक सेकंड में अपने बात को करके समाप्त करेंगे। अभी डिजास्टर का बहुत बड़ा उड़ीसा में हुआ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी BGBS का है, वहाँ का सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो हम AIPSN BGBS जमीन पर है, जमीन में काम को कर रहा है, उस काम को हम कैसे सामाजिक बदलाव में लगाएं, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती है। कहते हुए हम अपने वक्तव्य का विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.